नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। किसान की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। किसानों को धान बेचने में आ रही समस्याओं के साथ ही अन्य मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया, डीएम को सौंप कर किसानों की परेशानी दूर कराए जाने की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नसीम चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस पर अधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कांग्रेस ने कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर पहुंचे। जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी ने केंद्र व प्रदेश के भाजपा सरकार पर किसान के विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए 3 काले कानून किसानों की तबाह कर देंगे। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद डीएम के राज्यपाल संबंधित छात्र सूत्र ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपये करने की मांग की। इसके साथ ही किसानों के कर्ज माफ कर बिजली बिल हाफ करने के, किसानों के पराली नष्ट कराने के लिए मुआवजा दिए जाने के, किसान हित में गांव-गांव गौशाले बनवाने तथा फसल रखवाली के लिए बता देने और गन्ने के भुगतान 40-400 रुपये प्रति क्विंटल के दर से करने मांग की। कांग्रेसों ने महासचिव अमन पांडे ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों के हित में फैसले नहीं किए तो कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन कर सकता है। श्रावस्ती से मुजम्मल अहमद की खास रिपोर्ट। कि आज किसान की लागत करीब लगभग 1200 रुपए धान में हो रही है और सरकार 1000 में खरीद रही है, इसीलिए हम लोग आज मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से ये बताने आए हैं, लूट हत्या अपराध चरम सीमा पे है, जात विरोधी ये सरकार नहीं चलने वाली है। केवल 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 ठाकुरों की बंद को ही लेकर ये सरकार चल रही है, सरकार अब नहीं चलने वाली है। हम कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में सड़क पे आ गए हैं और इसके लिए किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक इस सरकार को गिरा नहीं देंगे तब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। क्या मांगे? हमारी मांगे है कि जो पराली के लिए आज किसानों के ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है उन मुकदमाओं को वापस लें। किसान को अच्छे जो गल्ला वो धान बेच रहे हैं इस वक्त उनको अच्छी कीमत में उनको धान भुगतान करें। अपराध जो बढ़ रहा है उस अपराध को योगी सरकार कंट्रोल करें, यही 5-6 महंगाई कम करें। डीजल पेट्रोल आज चरम सीमा पे है। देखो हम ही लोग को देख लीजिए, वहाँ से गाड़ी से आना था धरना प्रदर्शन के लिए, हम लोग पैदल चल के आए हैं क्योंकि डीजल और पेट्रोल इतनी महंगी हुई है कि हम लोग खुद कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ तक गाड़ी के सुविधाओं के साथ नहीं चल सकते हैं, इसलिए हम पैदल ज्ञापन देने आए हैं। 5 किलोमीटर लगभग चल के पैदल आए हैं।